खरगोन शहर के कृषि उपज मंडी में रविवार को यूथ फोरम सगरवंशी माली समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। समाज अध्यक्ष बाबूलाल राठौर ने बताया, यह समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से करीब 400 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार डॉक्टर रक्षा मुजाल्दे ने कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह के साथ स्कूल बैग, पानी बोतल, पेन आदि देकर सम्मानित किया। पूर्व मंत्री पाटीदार ने कहा कि आज के दौर में विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए कई तरह की सुविधाएं मिल रही है। पालक जहां हर जरूरत पूरी कर रहे, तो वहीं सरकार के सर्व सुविधा युक्त स्कूल है। शासन स्तर पर गणवेश, छात्रवृत्ति, हाल ही में हाई सेकेंडरी के विद्यार्थियों को स्कूटी भी दी गई। इसलिए बच्चे इन अवसरों का सही इस्तेमाल कर अपनी प्रतिभा से समाज देश का नाम रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पुरस्कार में क्या देने थे? चाक देने थे, खड़ू जिसको बोलते चाक। तो चाक मिल जाता था हमें, तो वहीं से उछलते हुए घर तक आते थे कि आज देखो हमको कितना बड़ा पुरस्कार मिल गया, चाक मिल गया। आज तो आपको सब पुरस्कार मिलने, देखो बस्ते भी दे रहे हैं और बाकी और जो सामग्री है सब सारी आपको दे रहे हैं। और सरकार की ओर से भी पढ़ाने लिखाने के मामले में कोई कमी नहीं बस्ती, सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। किताब कापी दे रही है, स्कूल ड्रेस दे रही है, फिर और साइकिल दे रही है, स्कूल में भोजन भी दे रही है सरकार। और अब तो जो अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं ना, जिन्होंने अभी हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास किया, उनको क्या दिया? स्कूटी। जब माली समाज में किसी को मिला कि नहीं स्कूटी? नहीं मिली। तो प्यारे बच्चों, पढ़ो लिखो खूब और प्रयत्न ये करो कि आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में आपको भी स्कूटी पुरस्कार शुरू की। क्या सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था नहीं है? तो इतने अच्छे विद्यालय सीएम आई स्कूल, ये सब नए नए विद्यालय बन रहे हैं जो सर्व सुविधा युक्त है। इसलिए शासन की ओर से और आपके पालकों की ओर से भी आपको ऐसी कमी नहीं रही, सब अपने बच्चों को पढ़ाना। इसलिए खूब मन लगा करके पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ो, पीछे नहीं रहना, आगे आप भी आगे बढ़ो, अपने देश को भी आगे बढ़ाओ। क्योंकि बच्चों, अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है अमृत काल में 75 से 100 वर्षों के या 25 वर्षों का कार्यकाल है, इसमें अपने को भारत को क्या बनाना है? विश्व का सिरमौर राष्ट्र बनाना है। तो विश्व का सिरमौर राष्ट्र 25 वर्षों में कौन बनाएगा? ये आप ही बच्चे ही इसका भविष्य है। आने वाले 25 वर्षों में आप कोई आगे बढ़ करके देश को आगे बढ़ाऊंगा। अभी यहां से मंच से कहा गया कि राजा सगर, अब राजा सगर के वंशज हैं माली समाज, है ना? अच्छा ये बताओ, महाराजा सगर के कौन से पुत्र ने गंगा जी को धरती पर लाया? जरा नाम बताओ, कोई बताएगा? हमारे समाज के क्षत्रिय सगरवंशी माली समाज की उत्तक संख्या यूथ फोरम के द्वारा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का पुरस्कार वितरण रखा गया है। क्योंकि समाज में ऐसे बच्चों को सम्मान मिलता है तो वह बहुत प्रोत्साहित होते हैं। आज हमारे समाज का कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों का सम्मान पुरस्कार रखा गया है। इसमें हमारे सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया है, जो विशेष रूप से अपने अपने क्षेत्र में दखल रखते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर रक्षा मुजाल्दे दामले मैडम को बुलाया गया है, जीआईटी कॉलेज के मोरावा के डीन आदरणीय सुगंधी जी, और हमारे खरगोन विधानसभा के
सबसे बड़ी हस्ताक्षर के रूप में समाज सेवी और पूर्व राज्य मंत्री माननीय भारत रत्न जी तालुकदार जी को आमंत्रित किया है। इन तीनों की शिक्षा के साथ और किनका सम्मान कर रहे हैं? शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और समाज सेवा में जो अपना दखल रखते हैं उनका हम आज अतिथियों के रूप में सम्मान भी करेंगे। मेरा नाम बाबूलाल राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।